क्या पहले डांसर लोग हैं क्या बात है वेरी गुड थैंक यू वेरी मच क्या बात है तुम लोग सबने टैटू बनवाया यार हैं साले जाके करियर बनाओ अपने टैटू क्या बना रहे अरे इतने बड़े फैन है अर्चना ये देखो आपका टैटू बना है इससे संभाल के रखना औरत अंदर ना घुस जाए ये देखो अबे जी ऐसे नहीं लगता बॉबी देओल सूझ गया जाओ 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 अरे यार ठाकुर ऐसे नहीं लग रहा दारू पीने के बाद हम लोग खजुराहो में आ गए खजुराहो नहीं अपना सेट है कॉमेडी सर्कस नहीं नहीं खजुराहो है नहीं नहीं ये 200 साल पुरानी मूर्ति बाहर आके क्यों बैठी है यहाँ ये क्या मूर्ति है साले ऐसी ऐसी मूर्तियां लगाई यहाँ फिर कहते डबल मीनिंग बातें मत करो बहुत हो गया तेरा ठाकुर आराम भाई मेरा पार्टनर ठाकुर पार्टनर मैं तेरा पार्टनर तूने दारू क्यों पी इसी गम में यार मेरा तो ठीक है तू दारू पी के क्यों है अब मुझसे ना होश में ये शक्लें बर्दाश्त नहीं होती है यार किसी ने वो सही बोला है क्या ये दारू पी के दो के चार हमेशा दिखते चार ही नहीं इन दोनों को तो मैं गिनती में नहीं लेता मैं उनकी बात अभय और प्रीति पहली बार जोरदार ताली हो जाए मेरे लिए अभय मैं सच्ची आप लोगों की बात बताता हूँ फिल्मी परिवार से होने के बावजूद खुद का नाम कमाना खुद के दम पे बिना किसी सपोर्ट के अपनी फैन फॉलोइंग बनाना कोई छोटी बात नहीं है बिल्कुल सही आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ आई एम प्राउड मैं इसी बात से दुखी हूँ ये अपना बॉलीवुड है ना इधर भांजावाद और भतीजावाद बहुत है ये देखो गोविंदा का भांजा और उधर बैठे धर्म जी के भतीजा मैं तो छोटा मोटा भांजा हूँ अरे तो बहुत बड़े भतीजे हैं सही बोला देखिए देख गेस्ट की इज्जत करनी सीख अबे जी आपके कजन्स के नाम कितने प्यारे हैं ना सनी बॉबी एशा आना और इसके कजन सुन लो शैम्पी डम्पी पंपी कजन कम डाइपर के नाम ज्यादा लगते मेरे को हमेशा बड़ा तू अबे चुप अबे चुप अबे तो कब से चुप बैठा है अबे उनको ये तेरे को बोला अबे चुप अच्छा मेरे को बोला ओ सॉरी सॉरी तेरे को मालूम अबे का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इनकी एक्टिंग का 1:40 की लास्ट लोकल में थे ना हाँ फिल्म की बात नहीं कर रहा ट्रेन माइम स्टेशन पे देखा मैंने अच्छा अच्छा था हाँ अरे वो उसमें ट्रेन में मैं भी था हाँ ये शाम को ना लेडीज बन के घूमता उस ट्रेन में हाँ तो क्यों ना बनू 1:40 की लास्ट लोकल देखी थी हाँ देखी थी नेहा से ज्यादा औरत लगता हूँ मैं सच्ची बात है वो तो सिर्फ जाते जाते लेडीज लगती है मैं तो आते आते भी लेडीज लगता हूँ इज्जत करनी सीख गेस्ट आए हुए हैं एक मिनट पता क्या देखो अभय जी को पता है इधर क्या होता है तो आप नए नहीं है प्रीति जी पहली बार आई हैं इनको इंट्रोडक्शन कराना चाहिए मालूम बिल्कुल सबसे हाँ। इंट्रोडक्शन करो प्रीति जी इंट्रोडक्शन करा ये अरबाज भाई हैं मोस्ट हैंडसम मैन मोस्ट लवेबल मैन टैलेंटेड फैमिली के टैलेंटेड एक्टर और सबसे बड़ी बात सुपर हिट डायरेक्टर और अनफॉर्चुनेटली हमारे जज भी अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहे हैं अच्छा तो फॉर्चुनेट कर दे कौन से 10 नंबर दे देंगे तेरे को हाँ फॉर्चुनेट कर दे एक मिनट इनको सब जानते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा जो इनके बगल में बैठी है अर्चना पूरन सिंह मर्ड की मशहूर अभिनेत्री अबे बच्चा बच्चा जानते हैं उनको अबे तो जानेगा ही ना बच्चा बच्चा हर बच्चे की तो चॉकलेट छीन के भागती है ये अबे चुप है अबे तेरे को बोल रहा हूँ ओके 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 खबरदार अर्चना जी के बारे में एक भी लफ्ज कहा जो तूने अरे वो बाहर जो करना है करें कुछ भी करें ये पर्सनल लाइफ है इधर तो हमारी जज है ना हम तो यहाँ खुल के गालियां देंगे क्या गलती रहती है क्या गलती रहती है प्रीति जी वेरी स्वीट हेलो अबे चल आज तक हमको हेलो बोला गया तूने तेरे को क्यों बोलूं हेलो क्यों बोलूं तेरे को हैं इधर हेलो बोलूंगा तो शायद हेलो बोल के फिल्म में काम मिल जाए बेटा अगर हेलो बोल के फिल्मों में काम मिलता ना तो कॉल सेंटर वाले सारे हीरो हीरोइन होते समझा अबे हम लोग स्टैंड अप करके दिखा चल करके दिखा एक मिनट भले 3 मिनट का स्टैंड अप करने के बोलो 15 मिनट का डांस करके जाता है यहाँ पे अच्छे भले कॉमेडी सर्कस को बूगी बूगी बना के रखा हुआ है इसने करता है स्टैंड अप तेरी वजह से हमारा अच्छा खासा जावेद जाफरी जैसा डायरेक्टर आजकल नवेद बन के घूम रहा है बता अपनी मेहनत से आए इधर अपनी मेहनत से बैठी है वो कुर्सी पे अपनी मेहनत से खड़े हम यहाँ पर मामा के बगैर समझा एक काम कर
क्या? मेरे मामा को ले जा तू, कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए, लेके जा। अबे क्या करते लेके जा, क्या करते तेरे लिए हैं? अलग से तेल की फैक्ट्री खोलते कि मैं घुटने का बेच रहा तू छुट्टी का बेच ले, क्या करते तेरे लिए? ए इमोशनल नहीं कृष्णा, ए इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं एक्ट में, इमोशनल नहीं होना तो होना पड़ता है आजकल, इमोशनल पे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं लोग। दो चार अच्छी बातें क्या कर लो, खड़े हो जाते, वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये अपनी श्रुति के बारे में कुछ सोच यार, कुछ यार मैंने मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में। मैं एक लड़का लाया हूँ शादी के लिए। क्या बात कर रहा है? हाँ नाइजीरिया से, बहुत बड़ा हंक आया है। गंदे हैं हम इतने, हम पे किसका जोर, जिधर से भी निकले गटर खुलते हैं चारों ओर। आप लोग मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपकी इज्जत हो रही है। हाँ यार कौन है आप, आपका नाम क्या है? देखो नाम का तो ऐसे हैंडसम आदमी की क्या नाम है, बस इतना समझ लो मेरी पूरे परिवार है ना मुझे चांद का टुकड़ा कहता था। ये आपका परिवार कहाँ मिलेगा? वो बस्ती वालों ने मार दिया, कहते इतना झूठ हमें हजम नहीं हो रहा। एक बात बताओ, सच बात बताओ मेरे को, ये दांत तुम्हारे अपने हैं या किसी चिंपैंजी के छीन के लगाए हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। चलो पॉइंट पे आते हैं, तुमको पता है यहाँ पे हमने क्यों बुलाया है? हैंडसम आदमी को कोई ना कोई बुलाता रहता है, मैंने खुद कर्ज किया हुआ अपने बारे में। कर्ज नहीं होता, अर्ज होता है। अर्ज अर्ज, शायद आदमी गरीब होता है, कर्जा लेके ही जीता। मैं बस में भी अभी पैदल चल के आया हूँ, बस में मैंने अपने बारे में कर्ज किया। करो करो करो। तो मैं अपने हाथों से बादलों को हटा सकता, वाह वाह वाह, 100 में से 200 घटा सकता हूँ, ये तो मेरा दिल डार्लिंग पे आ गया, अपनी पे आऊं तो ऐश्वर्या पटा सकता हूँ। अबे अंदाज देखो अंदाज, ओए पकड़ ले कहीं, पकड़ ले पकड़ ले, ए पकड़ उधर से, कहीं कौवा उड़ ना जाए। देखो पता मैंने क्यों बुलाया, शादी करने के लिए। अच्छा लड़की बताओ, लड़की बताओ। आप देखो अपने हिसाब से, पहले आपको कौन पसंद है? एक ही लड़की मेरे लेवल की है। कौन? प्रीति। अभय भाई आप आएंगे मारने के लिए, मैं मार दूंगा। यार इधर उधर की बात मत करो, लड़की बताओ मुझे, लड़की बताओ। अरे तुम्हारे लड़की हट, मेरा भी एक टेस्ट है यार। मैंने मुझे नहीं किया। क्या यार, यही किस्मत है यार तुम्हारी। छोड़ दे, नहीं नहीं अच्छी बेइज्जती हुई ना इसकी। नहीं नहीं बेइज्जती अच्छी है। एक बात बता दूं, ये बोल बच्चन के बाद तेरी फिल्म क्यों नहीं आई कोई? यार ये आज सुबह क्या चाय बनाई यार? नहीं नहीं चाय अच्छी थी, चाय चाय बहुत माइंड ब्लोइंग। ये बोल बच्चन के बाद तेरी फिल्म क्यों नहीं आई कोई? अर्चना जी घर से खाना आया है हमारे लिए, खाना खाएंगे खाएंगे एंजॉय करेंगे। लेकिन बोल बच्चन के बाद तेरी फिल्म क्यों नहीं आई? तेरी बहन जो 2 साल पहले भागी थी वो वापस आई के नहीं? ये क्या बेइज्जती हुई? बेइज्जती महसूस हुई ना? बार-बार क्यों पूछता? बोल बच्चन के बाद कोई कुछ नहीं है फिर। आप क्या हंस रहे हैं? आपकी भी बोल बच्चन के बाद कोई फिल्म आई है क्या? हमारा छोड़ो, अभिषेक की बहुत मुश्किल से धूम 3 आई है। आप बात करो, पर अर्चना जी थी उसमें? किसमें? धूम 3। धूम 3 में कहाँ अर्चना जी, क्या बकवास कर रहा? क्या बात कर रहा है, आमिर जिसपे जाता वो कौन था? तभी मैं सोचूं ये बाइक हवा में उठ के जेटी क्यों बन जाती थी। मड आइलैंड की आदतें गई। सही बोला सही बोला, मड आइलैंड की आदतें। अब कोई गंदी बात नहीं है। हाँ ये तो दोस्त है यार तू मेरा। I love you। कश्मीरा से कब शादी कर रहा है? अरे छोड़, उससे कौन शादी करने वाला है, वो तो ऐसे ही बोल दिया था, पेपर में आ गया। कौन शादी कर रहा है? जब भी घर पे जाओ खर्चा पानी दो, खर्चा पानी दो। पता है कितना खर्चा पानी देती है मुझे? नल्ली है नल्ली, उसे कौन जारी करेगा नल्ली। ओ सॉरी सॉरी कृष्णा सॉरी, ना कश्मीरा का कॉल आया था, स्पीकर ऑन छूट गया मेरे से। कुत्ते कमीने, दुनिया में साक्षात राक्षस है तू। सबको बताऊंगी, सिर्फ दिखने में ही लंबा चौड़ा है तू। मुझे बोलता है बड़ा भाई, खुद शेव करके आता है ना, तो छोटी बहन की फीलिंग देता है तू।
तू घर आ, झाड़ू तेरे नाक में डाल के तुझे मोर नहीं बना दिया ना तो कश्मीरा नाम नहीं मेरा। अर्चना के सामने दो नंबर लेने के लिए मेरी बेइज्जती करता है। तू घर आ, एक नंबर दो नंबर सब नहीं निकाला ना, हाँ तो देख लेना। अब मेरी एक बात का ध्यान रखना प्लीज, ये लड़कियां शुरू शुरू में ही 32, 24, 36 लगती हैं, बाद में ये AK-47 और 456 हो जाती है, ध्यान रखना पूरी बात का। प्लीज टेक केयर। हमारे यहाँ पर जो नए जोड़ीदार बने हैं कृष्णा एंड राजीव, उन्होंने आपको कितना एंटरटेन किया? नॉट जस्ट एंटरटेनिंग, पर नाचते भी इतना अच्छे हो आप लोग यार, आई वाज सुपर्ब, आई लव्ड हाउ यू स्टार्टेड इट एंड एवरीथिंग, that was really funny. Thank you. Archie, बहुत अच्छी जोड़ी जमाई है, and I love this act, the best act. Thank you. कृष्णा राजीव, आपके एक्ट के अंदर कौन थे वो जो आए हमको? राज वर्मा. एंड वो एक्टर हैं, राइटर हैं, उनको जरा बुलाइए बेटा एज एन एक्टर, उन्होंने जो परफॉर्म किया he was like होता है किसी, very well done. You know, राज, you are a very talented actor. बहुत अच्छा किया आपने. धन्यवाद सर. एक बार राज वर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।